Good morning, student. I am Basir Khan from Suraj School Rewadi. Today we are discussing our fourth chapter, last point, basis of accounting. There are two bases of accounting. First is cash basis accounting and another is accrual basis accounting. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये जो बेसिस हैं हमारे, ये बेटा कौन सी फार्म के लिए, कौन से बिजनेस के लिए बेटा यूज़फुल है और ये होते क्या है बेटा। तो हम लोग इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट बेटा इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, ये फोर्थ चैप्टर का लास्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपने बेटा इसके जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। और किसी भी बच्चे को बेटा, मैं बार बार एक ही बात आपको बोलता हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स आता है बेटा, आपको नील सर ने मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके बेटा उससे पूछ सकते हैं, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो मैं आज आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा बेटा, आप चेक कर लें बेटा। थैंक यू बेटा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। यस फ्रेंड, देखिए बेटा यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमारे बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, वी हैव टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग। देखिए बेटा, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस बेस ओनली एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेमेंट आर रिकॉर्डेड। जो हमारे को बेटा एक्चुअल में कैश रिसिप्ट होता है और जो हम कैश का बेटा क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ओनली दोज आर रिकॉर्डेड। यहां पर बेटा हम लोग सिर्फ कैश को बेस मान के ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेटा, कोई भी ट्रांजैक्शन हमने किया है, जैसे हमने गुड्स सोल्ड किया है, अगर कैश में रिसीव्ड होगा तो इस मेथड में, इस बेस में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। अगर मान लीजिए हमने क्रेडिट में सोल्ड किया है तो वो हमारा इस बेस के अंडर में नहीं आएगा। ये वाला जो मेथड है बेटा कैश बेस अकाउंटिंग, ये जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होते हैं उसके लिए ये बेस क्या रहता है बेटा, इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें ओनली कैश बेस पे ही हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये हमारा जो कैश बेसिस है, इसमें सिर्फ जो हमारी रिसिप्ट होती है कैश में, जो एक्चुअल में रिसिप्ट होती है वही रिकॉर्डेड होती है, और जो पेमेंट होती है उसी को हम बेटा क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्चुअल हमने पेमेंट की है। मान लीजिए बेटा हमारा कोई भी एम्प्लॉयर, हमने उसको सैलरी पेड करना है और हमने उसको पूरे साल में जो सैलरी का पेमेंट करना है वो 120 करना है, लेकिन आज हमने उसको बेटा 1 लाख पेड किया है। तो एक्चुअल में बेटा बन तो कितना रहा है, 120 बन रहा है, लेकिन आज हमने उसको पेड कितना किया है, 1 लाख किया है। तो बेटा कैश बेस में हमने बेटा इसी को कंसीडर करना है, जो एक्चुअल में हमारे पास से जाएगा हमने उसको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन दिस बेसिस। मैंने अभी बताया था आपको बेटा, यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होता है तो उसको हम बेटा इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम इसके थोड़ा बेटा एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है इसके क्या क्या एडवांटेज है बेटा। देखिए बेटा, दिस बेसिस इज सिंपल रियलिस्टिक। देखिए बेटा, कैश बेसिस जो है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें बेटा जो एक्चुअल में मिलेगा वही आप लोगों ने, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब बेटा एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए कि जो कैश हमारे को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना बेटा कि जो प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, लाइक जैसे डॉक्टर है आपका बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है बेटा, लॉयर्स है, वो लोग क्या करते हैं बेटा, अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो रियल बेस पे, यानी जो एक्चुअल में रिसीव होता है और जो पेमेंट करते हैं ना, उसी के बेस पे अपने अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए बेटा कोई लॉयर है, उसका फीस है वो 2 लाख रुपए है और उसमें से उसको बेटा 1 लाख मिल गया, तो 1 लाख जो है बेटा वो अनपेड है, वो 1 लाख को ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बेटा पता नहीं फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये बेस होता है वो जो है ना कैश बेसिस है बेटा। सेकंड अगर हम बात करें इसकी, उसके बेटा इसके अंदर कोई भी बेटा पर्सनल जजमेंट या बेटा एस्टिमेट अनुमान नहीं लगा, जो एक्चुअल में मिला बेटा वही रिकॉर्ड किया है। हम ये नहीं सोचते कि इतना और मिल जाएगा, ये अनुमान बेटा इसके अंदर हम लोग नहीं लगाते हैं। लास्ट अगर हम बात करें तो बेटा मैंने आपको अभी भी बताया था बेटा, इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस।
ये उन्हीं एंटरप्राइज उन्हीं बिजनेस के लिए यूजफुल है बेटा जहां पर एक्चुअल में बेटा अपना जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बेस्ड पे होते हैं। अगर हम बात करें बेटा डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में सबसे जो पहला हम इसका डिसएडवांटेज की बात अगर इसमें करना चाहें तो ये बेटा दिस बेस इज नॉट प्रोवाइड ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। ये बेस जो होता है ना बेटा ये बिजनेस के ट्रू और फेयर जो बेटा रिजल्ट है उसको शो नहीं करता है। रीजन क्या बेटा, मान लो मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों ने सेल किया बेटा आपने ड्यूरिंग द ईयर 150 का किया है और आपको आज कैश मिला है कितना 1 लाख, तो हमने बेटा इस बेस में तो कितना रिकॉर्ड करना है, रिसिप्ट आपको 1 लाख हुआ तो 1 लाख ही करना है, लेकिन एक्चुअल में आपको मिलेगा कितना 150 मिलेगा, तो एक्चुअल बेस तो ये हुआ। तो यहाँ पर बेटा ये वाला जो मेथड है बेटा इसमें हम नेट रिजल्ट जो होता है बिजनेस का वो हम लोग जो है बेटा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक बेटा क्या है डिसएडवांटेज। सेकंड अगर इसके बेटा डिसएडवांटेज की बात करें, देखिए बेटा दिस बेस इज नॉट बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए बेटा ये मैचिंग जो प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल हमने बेटा लास्ट चैप्टर में किया था कि जो करंट ईयर की इनकम है उसको करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ मैच करता है, लेकिन नहीं इसमें सिर्फ कैश बेस लेते हैं, तो ये मैचिंग कंसेप्ट को भी क्या करता है इग्नोर करता है। लास्ट अगर हम बात करें बेटा इसके डिसएडवांटेज की, कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। देखिए कंपनी एक्ट जो है हमारा बेटा, कंपनी एक्ट 2013 ये वाला जो एक्ट है बेटा इस मेथड को बिल्कुल भी अडॉप्ट कर नहीं करता है, ये बिल्कुल भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये वाला मेथड हमारा उसमें नहीं आता है, तो ये हमारा बेटा कैश बेस अकाउंटिंग रहेगा। सेकंड अगर हम बात करना चाहें तो हमारा सेकंड रहेगा बेटा एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। यस डियर स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं बेटा एक्यूरल बेसिस। देखिए बेटा एक्यूरल बेसिस की हम बात करें तो देखिए ये क्या कहता है हमारा एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस बेस इनकम और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर दे इनकर्ड और ड्यू। देखिए बेटा इनकम या एक्सपेंस जो हमारे होते हैं बेटा उसको हमने क्या करना है रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेदर दे रिसीव्ड इन कैश और नोट, चाहे वो हमारे को जैसे इनकम है बेटा वो हमें कैश में मिली या नहीं मिली, एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड वेदर दे पेड इन कैश और नोट, चाहे उसका हमने कैश में पेमेंट किया या नहीं किया। तो बेटा ये बेस जो है हमारा कैश बेस से जो है वाइड कंसेप्ट है, इसके अंदर हम लोग कैश एज वेल एज जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं दोनों ट्रांजैक्शन को इस मेथड के अंदर इस बेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं, ये इससे बेटा क्या है वाइड कंसेप्ट है। जैसे हमने बात किया था बेटा अगर मान लीजिए कोई भी हमारी बेटा इनकम है, जैसे सेल हमारी यहाँ पे 2 लाख की है और उसमें से हमारे को 150 कैश में मिलता है, तो इस बेस के अकॉर्डिंग हम बेटा पूरा जो है 2 लाख जो है उसको क्या करने वाले हैं रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर हमने अपने बेटा बिल्डिंग का रेंट देना है और रेंट हमारा बनता है कितना है बेटा 150 बन रहा है मान लीजिए रेंट, और हमने पेमेंट सिर्फ 50 ही किया है, तो बेटा इस बेस में 150 को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है हमारा बेटा एक्यूरल बेसिस जो कि बेटा वाइड कंसेप्ट है कैश बेस से, इसमें हम क्रेडिट एज वेल एज कैश दोनों ट्रांजेक्शन को इसमें क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हम बेटा इसकी बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, चलिए बेटा चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हमने बेटा बात किया था इसका एडवांटेज का, तो देखिए बेटा एडवांटेज में अगर हम लोग चेक करना चाहें तो ये जो मेथड एक्यूरल बेस बेटा गिव द ट्रू एंड फेयर रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ये बेटा बिजनेस के ट्रू और जो फेयर रिजल्ट होते हैं उसको शो करता है। क्योंकि बेटा आपने मैंने अभी बताया देखिए जो एक्चुअल हमारी सेल है वो मान लीजिए 2 लाख है लेकिन मिला कितना 150, तो हम यहाँ पे 2 लाख ही रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक्चुअल सेल हमारी 2 लाख है, और एक्सपेंस भी हम लोग इसमें बेटा एक्चुअल दिखाते हैं, तो ये वाला जो बेस है बेटा ये ट्रू रिजल्ट हमारा क्या करता है शो करता है। सेकेंड हम बात करें बेटा इट फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट, ये मैचिंग कंसेप्ट को भी फॉलो करता है, मैचिंग कंसेप्ट जो है हमारी बेटा उसको भी फॉलो करता है, करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ ही क्या करता है मैच करता है। थर्ड अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें बेटा
इट इज रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एक्ट 2013। इसको 2013 जो कंपनी एक्ट है बेटा हमारा वो रिकॉग्नाइज करता है, इसको वैलिड मानता है, क्योंकि बेटा एक्चुअल बेस है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और यही बेटा जर्नली जो भी बिजनेस होते हैं, मोस्ट ऑफ बिजनेस होते हैं, उसमें इसी बेस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, बेस मानते हैं। तो ये है हमारा एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करना चाहें तो सबसे पहले देखिए बेटा, इट इज़ नॉट अ सिंपल एज कैश बेसिस अकाउंटिंग। ये बेटा कैश बेस की तरह बिल्कुल सिंपल तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, ओनली जो एक्चुअल में हमारे को कैश मिलता है वही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें कैश के साथ साथ क्रेडिट भी रिकॉर्ड हम करते हैं। दूसरी बेटा अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे पर्सनल जो जजमेंट होते हैं, एस्टिमेट होते हैं, उसको हम बेटा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्रेडिट में गुड सोल्ड किया हुआ है, तो ये बेटा हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, क्या पूरा पैसा मिल पाएगा या कुछ पैसा हमारा बैड डेट्स हो जाएगा, तो इसके अंदर एस्टिमेट भी होते हैं बेटा। तो ये इसके हमारे क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज रहेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें डिफरेंस आता है बेटा। तो डिफरेंस आई थिंक आप सारे बच्चे कर लेंगे बेटा, मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। अब हम लास्ट बेटा इसका एक टॉपिक और बचता है, उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे हाइब्रिड बेस दिया हुआ है एक अकाउंटिंग का, ये क्या है एक बार सारे बच्चे चेक कर ले बेटा। देखिए हाइब्रिड बेस ऑफ द अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश एंड एक्यूरल। ये देखिए बेटा कैश और जो हमारा एक्यूरल बेसिस है बेटा, उन दोनों का मिक्सचर है। कुछ प्रोफेशनल बॉडीज जो होते हैं बेटा इस टाइप के मेथड को क्या करते हैं, अडोप्ट करते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं बेटा वो लोग क्या करते हैं, जो भी एसेट हमारी होती है बेटा और जो भी हमारे बेटा क्या होते हैं, इनकम होती हैं, एसेट और जो हमारी बेटा इनकम होती हैं, उसको तो वो लोग कैश बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बेटा, कैश बेस पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो बेटा हमारी लायबिलिटी होती है और जो हमारे एक्सपेंस होते हैं बेटा, उसको वो क्या करते हैं, कौन से बेस पे बेटा, वो एक्यूरल बेस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं बेटा। एक्यूरल बेस के ऊपर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वाला जो मेथड है बेटा ये इन दोनों का मिक्सचर रहेगा, और जो हाइब्रिड मेथड है बेटा ये जो कोर्ट होता है उसने इसको बेटा क्या किया हुआ है, एक्सेप्टेबल किया हुआ है कि हम लोग चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। तो ये था बेटा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो आप सारे बच्चे बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप सभी बच्चों ने बेटा इसको अच्छे से कर लेना है। जो भी इसके अंदर डाउट्स वगैरह आपको आते हैं बेटा आप डिस्कशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कैसे भी करके आप इसको आज कर लेंगे, और उसके बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर लेने। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा बेटा वो हम लोग कल जो है स्टार्ट करने वाले। थैंक यू बेटा, बाय, हैव ए नाइस डे।